अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सी एस लर्निंग। आज हम HTML का 19 लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है HTML का, जिसको हम मार्की टैग बोलते हैं। अब मार्की टैग क्या है? कहते हैं मार्की टैग इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट विच काजेज टेक्स्ट टू स्क्रोल अप डाउन लेफ्ट और राइट ऑटोमेटिकली। क्या करता है ये? एक नॉन स्टैंडर्ड HTML का एलिमेंट है जो कि हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता है, डाउन करता है, लेफ्ट या राइट ऑटोमेटिकली। किस तरह से? जैसे कि कोई भी न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर एक पट्टी सी चल रही होती है जो लेफ़्ट टू राइट चल रही होती है, कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, उसमें मार्की टैग लगा हुआ होता है। वो हम देखते हैं किस तरह से है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टेक्स्ट पे ही लगा हो, आप किसी इमेज पे भी मार्की टैग लगा सकते हो। इसको प्रॉपर वर्किंग से समझते हैं। ये हमने सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है नोटपैड के ऊपर। इसको मैं सेव करती हूँ, इसका कुछ भी नाम देके इसको सेव कर लें। HTML में मैं इसको सेव करती हूँ, इसका नाम मैं रख लेती हूँ मार्की डॉट HTML। HTML एक्सटेंशन आपने लाजमी लगानी है इसको सेव करने से। अब इसमें आपने मार्की टैग किस तरह से लिखना है? इसमें आपने लिखना है मार्की ही लिखना है, इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। अब हम जिस चीज़ को मूव कराना चाहते हैं वो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ, आई एम मार्की टैग। ठीक है, इसको मैं करती हूँ सेव, इसको ब्राउज़ कराते हैं। इसमें है वो सेव, इसको मैं ब्राउज़ कराती हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो मार्की में लिखा हुआ है ये मूव कर रहा है, ये वाला जो मैंने लिखा है ये मूव कर रहा है। इसके अंदर हम और एट्रीब्यूट्स भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि जो हमारा मार्की में लिखा हुआ टेक्स्ट है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। ये देखें, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। अगर हम चाहते हैं ये राइट टू लेफ़्ट जाए, उसके लिए हम मार्की के अंदर लिखेंगे डायरेक्शन इक्वल और डबल कोटेशन में हम लिख देंगे राइट। इसको सेव करके फिर करेंगे रिफ्रेश और इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अब देखें ये राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ पे राइट की जगह पे अप लिखती हूँ तो क्या इफ़ेक्ट है, चेकआउट करते हैं। ठीक है, अब ये डाउन से अप की तरफ जा रहा है। अब मैं अप की जगह यहाँ पे डाउन करती हूँ। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो थी वही रहने देते हैं, मींस लेफ़्ट टू राइट। इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है बिहेवियर का। बिहेवियर की तीन वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें अल्टरनेट। अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करके चेकआउट करते हैं अल्टरनेट से, आप देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से टच होके नेक्स्ट चला जाएगा। इसमें अब एक और वैल्यू जो यूज़ की जाती है वो है स्लाइड। अब स्लाइड में देखते हैं क्या होता है। इसको रिफ्रेश किया, अभी आप देख लेंगे कि स्लाइड में क्या होता है। स्लाइड में आके ये यहीं पे रुक जाएगा। जो सबसे पहले लगा हुआ था बाय डिफ़ॉल्ट वो थर्ड वैल्यू होती है, वो होती है स्क्रॉल, जिसके अंदर ये मूव करता ही रहता है। ठीक है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक और वैल्यू एट्रीब्यूट चूज़ किया जाता है स्क्रॉल अमाउंट के नाम से। अब स्क्रॉल अमाउंट में मैं यहाँ पे वैल्यूज देती हूँ 40 और इसका रिज़ल्ट चेकआउट करते हैं।
अब आप देखिए इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इसकी वैल्यू मैं कम करती हूँ, 10 करती हूँ। रिफ़्रेश किया तो आप देखेंगे इसकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। इस तरह से आप जैसे ही इसकी अमाउंट कम करते जाएंगे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। अब यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाती हूँ, लूप का। अब लूप का क्या मतलब होता है? लूप का मतलब है प्रोग्रामिंग में किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। जिस तरह से हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 अपनी मर्ज़ी से। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 लिखती हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो जस्ट एक दफ़ा ही रिपीट हो। अब आप देखेंगे कि ये एक दफ़ा ही रिपीट होगा और इसके बाद ये दोबारा से नहीं आएगा, ठीक हो गया। इस तरह से आप लूप की वैल्यू सेट कर सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को कितनी दफ़ा रिपीट करना चाहते हैं। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट देखते हैं, स्क्रोल डिले। अब स्क्रोल डिले के अंदर सबसे पहले मैं आपको 10 लिख के दिखाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। रिफ्रेश किया, सब इसकी स्पीड जो है वो कम है। अब मैं इसको 600 करके दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा इसकी स्पीड जो है वो और कम हो गई है। इस तरह से आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए इसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम स्क्रोल अमाउंट से कर सकते हैं, इस तरह हम इससे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें अब एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, कलर का। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। कोई सा भी कलर दे दें इसके अंदर, मैं यहाँ पे स्काई ब्लू दे देती हूँ। इसको किया सेव, अब आप इसको करें रिफ्रेश और इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। तो ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो स्काई ब्लू हो गया है। ये बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है इसलिए मैं इसको ना यहाँ पे, बल्कि स्क्रोल डिले वाले एट्रीब्यूट को चले रहने नहीं देते हैं, 300 कर देती हूँ। इसको करते हैं रिफ्रेश, अब इसकी स्पीड कुछ बेहतर है। इसके अंदर आप इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी हाइट सेट करती हूँ। इसके लिए आप परसेंटेज में वैल्यू ले लें या वैसे ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या पिक्सल में ले लें। मैंने वैसे ही 500 में ले लिया, तो इसको किया रिफ्रेश। अब आप देखें कि इसकी जो फुल जो है ये फुल पे आगे 500 ज़्यादा ही हो गया, मैं इसको 100 कर लेती हूँ। 100, अब आप देखें कि इसको मैंने किया 100 तो ये 100 पे आ गए। इसके बाद आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। विड्थ मैं इसकी ले लेती हूँ 50, ठीक है 50। अब इसको किया रिफ्रेश, अब आप देखें कि इसकी विड्थ बहुत ही छोटी हो गई है। विड्थ मैं इसकी 200 कर लेती हूँ। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, अब कुछ सही है। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। इसमें एच स्पेस के नाम से एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल स्पेस कहते हैं। इसमें आप जितनी भी वैल्यू दे दें, मैं इसके अंदर 30 दे देती हूँ, 20 दे देती हूँ, और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आप देखें ये थोड़ा सा इधर को मूव हुआ है, और ज़्यादा दे देती हूँ, 50 कर देती हूँ। अब ये हॉरिजॉन्टली 50 पिक्सल तक आगे की तरफ मूव हुआ है। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट्स है, उसको हम कहते हैं वी स्पेस का मतलब है वर्टिकल स्पेस हो जाए इसके अंदर। इसको मैं कर लेती हूँ 70।
और इसको किया रिफ़्रेश। अब आप देखें ये ऊपर से वर्टिकली इसको स्पेस मिल गई है। इसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ऑन माउस ओवर लिख के लिखना है दिस डॉट स्टार्ट और इसके आगे ब्रैकेट्स लगा देनी है जिसका मतलब है फंक्शन। सॉरी स्टार्ट की जगह यहाँ पे लगाना है स्टॉप और नेक्स्ट हमने एक और देना है उसमें ऑन माउस आउट। अब इसके अंदर हमने लिखना है दिस डॉट स्टार्ट। अब इसको सेव करके इन दोनों एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है ये हम चेकआउट करते हैं अपने ब्राउज़र में। इसको मैंने किया रिफ़्रेश। जैसे ही मैं माउस को इसके ऊपर लाऊंगी तो ये स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही माउस को निकालूंगी यहाँ से तो ये फिर से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये दोनों हमारे जो फंक्शन हैं ये काम करते हैं, ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप फंक्शन और ऑन माउस आउट दिस डॉट स्टार्ट फंक्शन। इसको भी फंक्शन बनाना है, इसके साथ भी ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे मैं इसके ऊपर माउस लाती हूँ स्टॉप हो जाता है, जैसे ही निकालती हूँ तो ये चलना स्टार्ट कर देता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मार्की टैग को हम कैसे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन कहीं से समझ ना आया हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। कोई कोई कंफ्यूजन हो, कुछ और क्वेश्चन हो कोई और टॉपिक के बारे में, कोई भी हो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, हम इंशाल्लाह उसको कवर अप करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।